ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। पूजनीय स्वामी निर्वाणानंद जी का गुरु सेवा का बात हो रहा था, अनन्य साधारण सेवा का जो एक झांकी हम लोग चर्चा किए थे, और सेवा में त्रुटि होने से किसी विपत्ति होता है वो भी हम लोग चर्चा किए थे। उनकी दिया हुआ खाना के भीतर जो मैच बॉक्स का बारूद मिला था वो नाराज होकर उनके सेवा से बहिष्कार कर दिया था, फिर बाद में अपना लिया। वैसे ही और एक घटना का उल्लेख है। अब जानते हैं मुजफ्फरपुर से बहुत अच्छा लीची होता है, लीचीस, तो एक भक्त ने ठाकुर को सेवा के लिए दिया था। उनकी इच्छा था कि ठाकुर को देने के बाद उसका प्रसाद महाराज महापुरुष महाराज आदि एवं अन्य भक्तगण प्रसाद ले सकते हैं। तो लीची आया था, ठाकुर को भोग भी दिया गया था, लेकिन उस समय महाराज का तबीयत उतना अच्छा नहीं था उस दिन, तो उनको नहीं दिया। सूर्य महाराज उनको नहीं दिया, परवर्ती दिन भी वो नहीं दिया, चूक हो गया, नहीं दिया। लेकिन महाराज के पास कुछ खबर पहुंच गया, जी लीचू आए थे, सब लोग को दिया गया तो उनको नहीं दिया गया। तो गंगा का सामने जो बेंच है वो तो बैठे रहते हैं, उन्होंने महापुरुष महाराज को पूछा, आपको लीचू मिला था? उन्होंने नहीं, हम तो नहीं खाया। फिर बगुरा महाराज को पूछा, बोला हमने नहीं खाया था। तो महाराज भी गुलाम को भी तो नहीं दिया। तब वो सेवक को बुलाओ, सोचो जो महाराज को बुलाया तो उन्होंने बताया हाँ नहीं नहीं दे सका। ना वो जो भक्त दिया है कितने आग्रह से आकर दिया था गुरु सेवा के लिए, और वो उनके पास नहीं पहुंचा, ये सोचते हुए राजा महाराज का बहुत नाराज हुआ था कि अन्याय हुआ है। क्योंकि बहुत भक्त देते हैं, एक आग्रह से आकर देते हैं, उनका जत्न से आकर उनका ग्रहण करना एवं परिवेशन करना चाहिए, इसमें अवहेला नहीं होना चाहिए। भक्त का जो मनोभाव उनको देखते हुए राजा महाराज का बहुत गुस्सा हुआ, तो तब सूर्य महाराज को बहुत डांटा, न केवल डांटा, उनको प्रहार करना शुरू किया। उसके अवस्था देखकर तब बाबूराम महाराज दौड़ के आया, बीच में पड़कर वो सूर्य महाराज को बचा लिया, उद्धार किया, नहीं तो और बहुत उनका असुविधा होता, बहुत तिरस्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। तो तब बोला बाबूराम महाराज, पाला पाला भागो यहाँ से, राजा महाराज गुस्सा में है। अब ये लक्षणीय बात है। तब सूर्य महाराज वहाँ से उठ के दियार में पीठ रख कर कहते हैं, मैं नहीं भागेंगे, हमारा भागने का जगह नहीं है, मैं घर संसार छोड़कर वहाँ से भागकर गुरु का चरणों में आए हूँ, यहाँ से भागकर आ रहा हूँ, दूसरा कहीं पर जाने का जगह नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं भागने वाला हूँ। उनका ये मनोभाव देखते हुए
राजा महाराज तत्काल शांत हो गए। वो बाबूराम महाराज सब उनको बहुत आशीर्वाद किया। यही है सेवक का मनोभाव। गुरु का द्वार में कुत्ते के माफिक पड़े रहना चाहिए। कुत्ता को पीटने से, मारने से, प्रभु मारने से भी कुत्ता भागेगा नहीं। डॉग विल नेवर लीव द मास्टर अंडर ऑल ऑड्स। यही है प्रभु के साथ दास का संपर्क का अनूठा निदर्शन। और ऐसी होने से क्या होता है, गुरु न केवल आशीर्वाद करते हैं, गुरु हमें रक्षणा भिक्षण भी करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स, हिज प्रोटेक्टिव पावर एवर इज अराउंड अस। जिसका भी दो निदर्शन उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार जब चंद्र ग्रहण का समय था और भुवनेश्वर मठ राजा महाराज का बहुत ही प्यारा स्थान था, वो कहा करते थे ये गुप्त काशी है, यहाँ पर साधन भजन करने से आसानी से फल मिल जाता है और भविष्य में इस स्थान का महाजागरण होगा। तो चंद्रग्रहण का समय शाम को राजा महाराज के कमरे में बाहर में बैठकर इजी चेयर में बैठकर ध्यान मगना है और उसके सामने वो जीना है, सीढ़ी में सूर्य महाराज बैठ के भी जप कर रहे हैं, चंद्रालोक है और बहुत अच्छा वातावरण है, स्वयं राजा महाराज ध्यानस्थ है। कुछ समय बाद उनके पैर में कुछ ठंडा कुछ चीज़ का स्पर्श मिला सूर्य महाराज को, लेकिन वो आँख नहीं खुला। उनका मन बहुत तल्लीन हो गया, हाथ से उठकर हटा दिया। कुछ समय बाद फिर वो ठंडा चीज़ आ गया, तब उनका आश्चर्य हुआ ये कौन चीज़ यहाँ पर आके उपस्थित होता है। वो आँख खुला, खोल के देखा कि एक विषधर सर्प चले जा रहा है। अब भुवनेश्वर मठ उस समय में अभी भी विषधर सर्प के लिए विख्यात है, वेरी वेरी पॉइजनस स्नेक्स। और उस समय तो सब जंगल में आकीर्ण था, एक जंगल का जगह था भुवनेश्वर, यहाँ पर बाघ भालू सब कुछ निकलता था, तो शेर ना। अभी विषधर सर्प देखकर वो चिल्ला उठा, नेचुरली ही शाउटेड। तब राजा महाराज का ध्यान टूट गया। राजा महाराज फिर को बताया, शांत होकर जहाँ पर बैठे हो चुपचाप बैठे रहो। और उन्होंने बताया, बेटा गुरु कृपा से तुम आज बच गए। बचने का कोई संभावना नहीं था, अगर वो साथ एक काट एक छोबोल देता था तत्काल उसका देहांत हो जाता, लेकिन वो कुछ नहीं किया। पायर में हटाने पर भी पायर को कुछ नुकसान ना करे चुपचाप चले गए। एक गुरु कृपा बना संभव नहीं है। इसे गुरु कृपा सेवक को बचा देते हैं। एक सेवक सेवा का अद्भुत जो संपर्क का निदर्शन है। दूसरा भी एक घटना सूर्य महाराज के जीवन में है। जब वो बनारस में थे, बनारस में एक बार उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, चचेरा हुआ था, चेचक हुआ था, बहुत वो भयानक चेचक हुआ था। कब बहुत तेज़ी से बुखार आ गया, सब कुछ जलन उसका शरीर में, इतना जलन प्रस्तुत हुआ वो सहन नहीं सका। तो एक दिन इसका जो उनका जो जलन हो रहा था वो सहन से वहाँ के पहुँच के बाहर हो गया। वो सामने एक पानी का टंकी था, उसमें कूद पड़ा। भयानक बीमारी है, पानी टाइम के कूद पड़ा था। ये सुनते ही राजा महाराज तब काशी में थे, वो दौड़ के आया। राजा महाराज स्वयं आके उनको उठा के सीना में लेकर खुद ले गए, एवं राजा महाराज खुद उनका सेवा किया और उनको बचा दिया। ये घटना उल्लेख करते हुए सूर्य महाराज परवर्ती काल में बताते थे कि मैं और उनको क्या सेवा किया,
वही तो मुझे सेवा करके बचाया, विच इज लिटरली ट्रू। तो ऐसे ही होता है जब गुरु जो चेला का सेवक का सेवा में इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके लिए वो मजबूर हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। यही है दास्य भाव का चरम परिणति, जहाँ पर सेवा का माध्यम से सेव्य एवं सेवक अभिन्न हो जाते हैं। और जैसे राजा महाराज उनको आशीर्वाद किया, तेरा ब्रह्म ज्ञान होगा, तो हम लोग तो परवर्ती जीवन में उन लोग को देखा था और हम लोग देखते थे वो तल्लीन होकर चुपचाप बैठे रहते हैं एक भावस्थ होकर। तो एक घराना का उल्लेख है 1983 ईस्वी में, तब हम लोग बेलूर मठ में थे, उस समय आत्मस्थानंद जी जिनके साथ हम कर्मरत थे वो तब बेलूर मठ के सह संपादक थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ रिलीफ। तो वो डेली जाते थे सूर्य महाराज का प्रणाम करने के लिए, जिसे सब आदमी जाते थे। तो जाके देखा कि सूर्य महाराज उस दिन बस मुँह धोकर रखते तैयार होके बहुत सजा होकर बैठ गए, प्रणाम किया, उनको पता नहीं चला वाई सो मच अलर्ट टुडे। वो तो अपने भाव से रहे थे, आज बहुत सजग है और तैयार होकर बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा, महाराज आज आप ऐसी प्रस्तुत होकर बैठे हैं, क्या बात क्या है, की व्यापार? तो उन्होंने बताया, देखो आज मेरा जन्मदिन है इसीलिए मैं तैयार होकर बैठ गया, हंसते हुए कहा। नाउ किस कौन दिन किसका जन्मदिन है उनको जानने का कोई उपाय नहीं है, सेवकगण उसको बताया भी नहीं, और वहाँ पर आप जानते हैं जो जन्मदिन पालित भी नहीं होता है। तीन लोग तब, तो उन्होंने बताया आपको कौन बोला, आपको कैसे पता चला जन्मदिन, हम लोग तो पता नहीं, बिकॉज यू डू नॉट नो किसका कौन दिन जन्मदिन है, ये तो कोई पला नहीं है, आपको कौन बोला, हम तो जानते नहीं थे महाराज। तो उन्होंने बताया, नहीं हम सो रहे थे तो सुबह में ठाकुर आके उपस्थित हुआ, हमको उठा दिया, बोले उठ जा तो तेरा जन्मदिन है, तैयार रखे बैठ, वो अनेक भक्तगण आएंगे प्रणाम करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर का कोई दर्शन होगा, फिर ठाकुर उसको उठा दिया। तो दो तीन बार ऐसे होने से वो तो चटक भांगा नहीं, ठाकुर जब बोल रहे हैं तो उठना पड़ेगा, उठ के तैयार होकर बैठ गए। बाद में पता चला, सेवकगण बोला जी सचमुच ही उनका जन्मदिन था। तो इसी अवस्था में इन लोग भगवान के साथ तल्लीन हो जाते हैं, भगवान से युक्त हो जाते हैं, और गुरु के साथ इनका बराबर का रिश्ता बनी रहता है। और एक घटना बोलकर इस प्रसंग समापन करेंगे, जो कि बहुत आश्चर्य की बात है। तो हम लोग का देखा हुआ सुना हुआ ये सब बातें हैं, वो नज़दीक का बात है। तो एक दिन जब दिनपानानंद जी घर में बैठे हैं, तब सेवकगण को, सेवकगण देखा बहुत आनंद में बैठे हैं, बहुत खुश है। उन्होंने पूछा, बहुत बालक स्वभाव थे, बहुत ही बालक स्वभाव थे, कैसे हो जाते हैं, तो कहते हैं बालक बत हो जाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, दे बिकम जस्ट लाइक इनोसेंट चाइल्ड, जस्ट लाइक इनोसेंट चाइल्ड, बड़ा हंसी का बात है। वो कैसे जो ब्रह्म का पुरुष कैसे होता है, ये हम लोग देखा है वहाँ पर, सुना है कि वो उनके सेवक थे उमाकांत महाराज। तो जो अभी एक आश्रम का महंत है, हमारी कलीग्स है, उमाकांत महाराज सेवक थे। तो सुबह में वो कभी कभी बच्चा का जैसा नंगा हो जाते हैं, वो बाथरूम से आया कपड़ा पहनने के लिए, इनका कहते नहीं ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन किसी से उनको मना नहीं पाया, तो क्या कि वो टीवी ऑन कर दिया, सामने टीवी रहता था, ऑन कर दिया, उनको बताया देखिए इतना आदमी आपको देख रहे हैं,
तो बच्चा का जैसे वो भागते हुए टीवी के पीछे चले गए, अच्छा जल्दी कपड़ा पहन दो। तो सोचा कि ये जो भाई ऐसे जीता जागते व्यक्ति है, ऐसी सरल मति थे। तो बैठे हैं सरल रूप से, सब सेवकगण कहते आज महाराज आप इतना आनंद खुश क्यों हैं? तो बोला नहीं, आज वो राजा महाराज आए थे रात में और हमको जापान ले गए थे। बोला जापान कैसे गया? नहीं, राजा महाराज जीवन में हमको बताया, सुज्जू तेरे को लेके एक बार जापान में ले जाऊंगा, बहुत खुश है तुम्हारा पर, प्रसन्नता से बताया, तो तुमको एक दिन जापान घुमा दूंगा। तो तब तो राजा महाराज जीवन में हुआ नहीं ना, हम कभी राजा महाराज से जापान गया। तो कल हम सो रहे थे रात को, तो राजा महाराज आके उपस्थित हुआ, बोले चल हमारा साथ चलो। ठीक है चलिए, उनके साथ गया बाहर में और राजा महाराज लेके बहुत एक सुंदर ढंग से ले गया और एक देश में जाके उपनीत कर दिया। हम लोग दोनों हाजिर हुआ तो देखा, उन्होंने बताया देखो ये है जापान। हम देखा सब जापान को, जैसे हम तस्वीर देखा था वैसी सब दिखाई पड़ रहा है, जापान जापानी सब व्यक्ति है, उसका रास्ता घाट खाड़ी बड़ी सब। राजा महाराज बहुत घुमाया, तो घुमाने के बाद आश्चर्य की बात है, घुमाने के बाद तब तो राजा महाराज बोला जो तेरा क्या चाहिए बताओ, लेकिन देना चाहता हूँ। तो वो तो कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है चल तेरे को एक जापानी जूता दे देंगे। कहा जाते ना जूता है जापानी, तो जापानी जूता बहुत प्रसिद्ध है, तो एक जूता का दुकान में ले गया। ठीक है राजा महाराज बताए इनको पैर का एक जूता दे दो, तो बहुत पसंद करके उनका एक सुंदर एक नरम कपड़ा का जूता उनको खरीद के दे दिया। के बोले चलो अभी, तो लेके फिर हम लोग चले आए। फिर घर यहाँ पर घर में जब पहुँचा राजा महाराज हमको छोड़ के चले गए, इसीलिए जापान दर्शन हो गया, बहुत मैं खुश हूँ। तो सेवकगण बताया अच्छा महाराज आप जो देखा था वो जो जूता खरीदा था वो जूता कहाँ गया, जूता तो आपको पास है नहीं। इन लोग सोचा ये वो जैसे बच्चा बताते हैं कोई कुछ अलिख बातचीत करते रहती थी, कोई माने नहीं है, कहाँ जापान जाएगा क्या करेगा, ये तो अवास्तव की बात है। लेकिन वो बच्चा से जैसे बोल रहे हैं ये भी सुन रहे हैं, बोले जूता कहाँ है? तो बोला नहीं को देखो जूता आएगा, जूता जो दिया ना वो आने वाला है आएगा। तो लोग बोले ठीक है आएगा महाराज, वो विश्वास नहीं किया कुछ हम लोग, ये बेकार बात है। कुछ दिन बाद ताज्जुब से दिखा गया एक भक्त दंपति जापान से आया, आगे ठीक जैसे जूता बताया वही जूता उनको दिया। तब इन लोग को बताया सेवक ने देखो देखो मैं तुमको बताया था तुम लोग को, देखो वही जूता आ गया। सब हम लोग आश्चर्य होकर देखा कि जो निर्वाण जी ने बताया वो तो सचमुच सही है, कुछ फर्क नहीं है। तो राजा महाराज जो जिससे बोला था जब ब्रह्मज्ञ पुरुष है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है। एवं जो सेवा किया है सेवा के बाद सेव्य एवं सेवक अभिन्न हो जाते हैं। तो दास से भाव का जो चरम परिणति हम लोग न केवल हनुमान जी और तोटकाचार्य और लाठू महाराज के जीवन में देखा, अभी भी ये सब संत विराजमान अभी भी कुछ दिन पहले थे अभी भी है, इनके भीतर ये सेवा भाव दास सेवा परिस्फुट है। ऐसी अनेक उदाहरण है, उदाहरण नहीं बढ़ाते हुए हमें सिर्फ इतना ही मान लेना चाहिए कि प्रभु को सेवा करने में वो सेवा अव्यर्थ है और वो हमारे जीवन में आध्यात्मिक शिखर में पहुंचने के लिए एक अनिवार्य सेतु बन जाता है। इसके बाद हम फिर अन्य भाव का चर्चा करेंगे जो अगले दिन होगा। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, 10 बजे के उपरांत शारदा संघ का सत्र है, माँ की मधु स्मृतियाँ स्वीट मेमोरीज ऑफ श्री माँ शारदा देवी, उस पर चर्चा होगी। और शाम को संधारित्र के उपरांत नारद भक्ति सूत्र।
जो पराभक्ति का स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।